रेडी हो गई, मेरी लाडो रेडी हो गई, इसके पापा रेडी हो गए, अब हम चल रहे हैं शादी में और अब हम एंजॉय करने वाले हैं शादी। सात लोग भी हमारे साथ चलो, और ये आ गया पीछे मेरा भाई, ये भी रेडी हो चुका है, फाइनली हम सब रेडी हो चुके हैं। तो आप लोग भी हमारे साथ चलो, देखते रहना। तो गाइस हम रेडी होके नीचे आ गए थे गार्डन में, और यहाँ पे आते ही भाई ने बोला कि ला तेरी वीडियो बना देता हूँ, तो फिर उसने मेरा फ़ोन ले लिया। फ़ोन लेने के बाद उसने मेरी कुछ ऐसे वीडियोस बनाई, और हम आपको पूरा गार्डन भी दिखाएंगे कि कैसा डेकोरेट हुआ है। बट अभी हमारा थोड़ा वीडियो बन जाए। और ये जो लाइट आपको दिख रही है, दिन में तो डेकोरेट नहीं थी, फिर शाम को उसको अच्छे से डेकोरेट हो गई लाइटिंग में, और यहाँ पर सब लोग फ़ोटो शूट कर रहे हैं, क्योंकि एक यही जगह थी जहाँ पर सब फ़ोटो शूट करने का था, और बहुत अच्छा बना हुआ था ये, और लाइटिंग वगैरह थी तो बहुत सुंदर लग रहा था। तो इसमें मैंने और मिस्टर एके ने भी वीडियोस बनवाई, बहुत सारी वीडियोस बनाने की कोशिश करी, पर रश पब्लिक आपको दिख ही रही होंगी ना, मतलब लोग आपको दिख रहे हैं इधर उधर, इस वजह से हमारी वीडियोस क्लियर नहीं बन पा रही थी। और बार बार इसके पापा सोचे थे कि अनाया को एलिफेंट के पास लेके जाए, इसलिए यहाँ पर हम बार बार वीडियोज़ बना रहे थे, क्योंकि इसका जो डर है ना अनाया का, बहुत ज़्यादा है इसके अंदर, और ये एलिफेंट से इतना डर रही थी कि बार बार इसको ला रहे, देखो कैसे गोदी में चिपक रही है, पहले ही खेल रही थी। और अब मिलवाती हूँ मैं आपको, ये मेरे बड़े जीजू हैं, मेरी बड़ी दी है और सबसे बड़े जीजू यही हैं। दीदी तो नहीं आ पाई थी क्योंकि बच्चे उनके थोड़े छोटे हैं, और अभी कॉलेज वगैरह इस कॉलेज में जाते हैं, और दीदी दिल्ली में रहती है, तो इसलिए वो उनको छोड़ के नहीं आ पाई। और ये भाई है मेरा जो हाय करके गया भी, और आपको मिलवाती हूँ मैं और सब लोगों से कि वो कैसे तैयार होके आए हैं, सब नीचे देख रहे हैं। तो एक दूसरे को, ये भैया है भुआ कलर का, वो पहले मिला दी, और दीदी जी से भी आपको पहले मिला दी थी, तो दीदी ने ब्लू कलर की साड़ी पहनी है और अच्छी लग रही है ना दीदी, बहुत सुंदर लग रही है। भाई ये सब लोग बहुत सुंदर लग रहे हैं यहाँ पे, जीजू वगैरह मिस्टर एके भी अच्छे लग रहे हैं, और मेरी क्यूट सी अनाया बताना कैसी लग रही है। फिर उसके बाद दीदी ने बोला कि हम भी वीडियो बनाएंगे इसके अंदर, तो दीदी और जीजू वगैरह आ गए, तो हम यहाँ पे फिर से वीडियो बनाना स्टार्ट कर दी हमने। और अनाया को हम नीचे उतार रहे थे, देख लो अभी भी नहीं उतरे, क्योंकि इसको एलिफेंट से बहुत डर लग रहा था, क्योंकि बार बार एलिफेंट के पास जाना इसको बहुत ही डर लग रहा था। फिर हम ट्राई कर रहे थे कि हम कैसे वीडियोज़ बनाएँ, किस तरीके से वीडियोज़ बनाएँ, बट हमने ऐसे नॉर्मली वीडियो बनाई। पीछे दीदी जीजू है और लास्ट में जीजू है। दीदी जीजू की एंट्री होने के बाद जियाजी और दीदी को कितने अच्छे से आ रहे हैं ना, और जीजू अच्छे सिंगल रह गए, तो दीदी है नहीं, तो जियाजी अकेले आ रहे हैं पीछे, ये बड़े जीजू। और ये देखो, ये तीनों भाई की वीडियो नहीं बने तो भाई को तो बहुत गुस्सा आता है, तो भाई की वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी होती है, तो इसलिए इसकी छोटी सी क्लिप ली। फिर बाद में दीदी ने बोला कि हम दोनों का एक स्लो मोशन भी होना चाहिए, तो फिर मैं और दीदी स्लो मोशन गए, क्योंकि हम बहुत कम टाइम मिलते हैं, हम बार बार नहीं मिल पाते हैं। मैं रहती हूँ गुजरात में और ये लोग रहते हैं राजस्थान में, और राजस्थान में बहुत फंक्शंस होते हैं, बहुत शादियां होती है, और मेरे गुजरात में नहीं हो पाती, तो हम लोग नहीं मिल पाते हैं, इसलिए कभी कभी मिलते हैं तो वीडियो बनती है ना बनाना। फिर बाद में यहाँ पे हम ड्रिंक वगैरह ले रहे थे और बहुत मज़े कर रहे थे यहाँ पे, फिर मतलब जूस वगैरह ले रहे थे। और यहाँ पे पूरा गार्डन दिखाती हूँ, फिर उसके बाद चलते हैं गार्डन के अंदर। तो आपको लग रहा होगा यहाँ पे सब, ये बहुत ही बड़ा गार्डन था ना, तो इसलिए इसमें रश लग नहीं रहा था, क्योंकि इतने लोग नहीं थे, और जितना बड़ा ये गार्डन था, रिजॉर्ट टाइप में था, बहुत बड़ा था। यहाँ पे मैं पिज़्ज़ा खा रही हूँ, ये पिज़्ज़ा पता है मेरे हस्बैंड खुद के लिए लाए थे, और मैंने कहा मेरे को एक वीडियो बना लेने दो, तो मैंने उनसे लेकर और एक वीडियो बनाने के लिए एक वाइट खाया, वैसे बहुत तीखा था इसलिए मुझे थोड़ा कम अच्छा लगा। और बाकी ये अनाया अपनी नानी के पास में, ये अनाया की नानी है, और यहाँ पर ये तीनों नूडल्स खा रहे हैं शादी के अंदर। ये है मेरी छोटी वाली दीदी की बड़ी गुड़िया सिया, और अभी छोटी गुड़िया से मिलाती हूँ, ये है काबू, ये दोनों सिस्टर्स हैं, ये मेरी छोटी छोटी वाली दीदी की है। दीदी आपको देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि इन लोगों में बिजी है, इसलिए नहीं मिलेगी। ये दोनों देखो कितनी सुंदर लग रही है ना, बहुत सुंदर लग रही है। और ये अनाया और इसके पापा, अनाया के पापा अनाया को डांस करने के लिए बोल रहे हैं, और अनाया देखना करती करती मैं दिख जाऊंगी ना इसको, तो मम्मा ही करती मेरे पास आ जाएगी। थोड़ा डेकोरेशन आप लोगों को दिखा देती हूँ, ये कुछ इस प्रकार से डेकोरेशन था जहाँ मैं और अनाया बैठे थे। हम इसलिए बैठे थे कि मैं थक चुकी थी, मेरे हील्स की वजह से मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा था, तो फिर हमने यहाँ पे कुल्फी खाई जो पान के पत्ते में थी, और यहाँ पे हम तीनों बैठ के खा रहे थे, रिलैक्स फील हो रहा था यहाँ पे। थोड़ा चलते चलते खड़े खड़े ना पैरों में बहुत दर्द हो गया था, मेरी हील्स है ना थोड़ी मुड़ गई थी, तो मुड़ी हुई हील्स में यार बहुत प्रॉब्लम आती है चलने में। तो यहाँ पे कुल्फी खाई हमने, फिर उसके बाद मेरे ताऊ जी आ गए थे उधर, तो मैंने फिर मेरे ताऊ जी के साथ वीडियो बनाई, क्योंकि मम्मी वगैरह ताई जी वगैरह ये सब तो बिजी थी, और छोटी वाली दीदी आपको पता ही है किसमें बिजी थी, बच्चों में, इसलिए उनकी नहीं थी। फिर यहाँ पे फाइनली आ चुकी है बारात, बारात के फटाके आप लोगों को बाहर दिख ही रहे होंगे कि भाई फटाके से पता चल जाता
पता है कि बारात की एंट्री होने वाली है, तो यहाँ पे बारात आने वाली है। और बारात आने के बाद जो भी रस्म होती है वो मैं आपको दिखाती हूँ क्या रस्म होती है यहाँ पे। और ये देखो मिस्टर ए के कुल्फी खा रहे हैं बड़े मज़े से, मैं तो खा पी के चल गई थी बारात देखने के लिए। फिर यहाँ पे ये आ गई है बारात, और यहाँ पे दूल्हा दूल्हे के आरती वगैरह उतर रही है, मतलब पूजा वगैरह होती है। और थोड़ा मतलब उनको एक क्या बोलते हैं हमारे राजस्थान में के वो लेते हैं उससे ना नापते हैं दूल्हे को, ये रस्सी से नापते हैं कि दूल्हा कितना बड़ा है। और फिर यहाँ पे नाक खींचने की रस्म हो रही है, ये तो मुझे बहुत क्यूट लगी है, हर किसी के नहीं होती, शायद हमारे भी नहीं होती नाक खींचने वाली। यहाँ पे नाक खींचने वाली रस्म थी तो ये मैंने देखी और मुझे बहुत अच्छा लगा कि और वो बार बार झुक रहे हो और उनकी जो सांस है ना तो उनकी नाक खींचने के लिए खड़ी है। ये देखो आपको भी दिख रहा होगा वो बार बार झुक रहे हैं, वो खींचने ही नहीं दे रहे अपनी नाक को, और इस कारण है ना बहुत हंसी आ रही है, सब लोग बहुत हंस रहे हैं क्योंकि ये बहुत क्यूट सा मोमेंट होता है कि देखने को मिलता है, हर किसी के नहीं होते। कई तो सिंपल होते हैं जो अपनी नाक तुरंत खिंचवा लेते हैं, और कई ऐसे होते हैं ना मजाक के टाइप में थोड़े, तो वो अपनी नाक खिंचाने में थोड़ा सा सोचता है कि कुछ किया जाए। अब ये देखो अब फाइनली इनकी नाक पकड़ ली है इनकी सास ने और इनको नाप भी लिया है। नापने वाली रस्म जो मैं बता रही थी वो हमारे भी होती है। अब फाइनली इनका थोड़ा नाक खींचने की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो गई होगी चश्मे असमे में, तो इनके सब वो ठीक कर रहा है, हो जाता है ना जब दूल्हा पीछे की साइड गिरता है या कोई भी तो थोड़ा अजीब सा हो जाता है, तो थोड़ा ये चेक करवा रहा है कि मैं ठीक लग रहा हूँ कि नहीं, भाई मेरी फ़ोटो सही आएगी कि नहीं, तो इसलिए ये थोड़ा चेक करवा रहा है। उसके बाद चलते हैं हम गार्डन की तरफ, तो गार्डन में यहाँ पे सब लोग कुछ खाना खा रहे हैं, कुछ फास्ट फूड ले रहे हैं, तो यहाँ पे अच्छा लग रहा था। और मैं नया को लेकर गोदी में खड़ी थी, उसके पापा को खाना खाना था, मुझे खाना खाना नहीं था, मैंने यहाँ पे डिनर नहीं किया है, मैंने ओनली फास्ट फूड ही खाया है, और इसके पापा लेके खड़े थे तो मैं थोड़ा ऐसे खड़ी थी, मैंने कहा मैं ले लेती हूँ नया को और आप डिनर कर लो, तो इसलिए। और फिर यहाँ पे हमारे एक और रस्म होती है, इसको बोलते हैं शिवाड़ा, जब दूल्हा स्टेज पर आता है तो उसको थोड़ी देर बैठा के यहाँ पे पूजा वगैरह होती है, और यहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े लोग बैठते हैं इस पूजा में, और वो पंडित करवाते हैं, और तब तक दुल्हन नहीं आती तब तक ये पूजा ख़त्म नहीं होती, पूजा ख़त्म होने के तुरंत बाद ही दुल्हन को ले आता है यहाँ पे शिवाड़ा बोलता है, जिसमें कईयों के होता है जिसकी सगाई नहीं दी जाती तो वो यहाँ पे सगाई का फंक्शन भी कर लेते हैं छोटा मोटा जो नहीं देते हैं, और कईयों के शिवाड़ा होता है तो यहाँ पे शिवाड़े का प्रोग्राम चल रहा था। और फिर मैं मिलाती हूँ, ये हैं दुल्हन की भाभियाँ, मतलब मेरी भी भाभियाँ हैं, और दुल्हन है जो मेरी सिस्टर है तो मेरी भाभियाँ हैं, तो हम यहाँ पे वीडियो बना रहे थे। फाइनली दूल्हा दुल्हन का इंतजार था, अब इंतजार ख़त्म हुआ, दूल्हा दुल्हन की एंट्री स्टार्ट हुई, तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है कि ये दूल्हा दुल्हन की एंट्री स्टार्ट हो चुकी है। कुछ एंट्रीज में ऐसा लगता ना महाराजा जैसी महारानी जैसी फीलिंग्स आती है, तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही लग रहा था, क्योंकि ये आग वगैरह लेके ये लड़कियाँ मतलब डांस कर रही थी, तो थोड़ा अच्छा लग रहा था और बहुत ही अच्छा लग रहा था। दुल्हन वैसे दुल्हन को सब जानते हैं, पियर वाले तो सब दुल्हन को जानते ही हैं, मोस्टली देखे हुए रहते हैं, बट फिर भी एक जो दुल्हन शादी का जो लहंगा पहनती है ना उसमें बहुत ही सुंदर लगती हैं, बहुत ही अच्छी लगती हैं, तो इसलिए देखना तो बनता ही है। और ये वही लाइट है जहाँ हम लोग वीडियो बना रहे थे, तो दूल्हा दुल्हन की एंट्री भी इसी से हुई थी, क्योंकि एक यही था फोटोशूट के लिए और वीडियो के लिए, तो इनकी एंट्री भी इसी से हुई थी। बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत सुंदर लग रहा था, सब लोग इनकी फ़ोटोज़ वगैरह वीडियोज़ वगैरह ले रहे थे, मैं भी ले रही थी इनकी वीडियोज़। और यहाँ पे देखो ये जो लड़के हैं ये तो बहुत अच्छा डांस करने वाले हैं, आप इनको देखना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, नए हो तो भी सब्सक्राइब कर देना। और यहाँ देखो यहाँ पे आपको एक चीज़ और देखने को मिलेगी, जो दूल्हा दुल्हन थे ना उनकी एंट्री करवाई थी, उसके बाद थोड़ी देर उनको रोक लिया गया था, उनका जो कल का वीडियो और था, उनका हल्दी का फंक्शन था और मेला संगीत का फंक्शन था, तो वो भी उनको यहाँ पे खड़ा होकर देखने को मिलेगा, बट वो मैंने कैप्चर नहीं किया क्योंकि मुझे निकलना था, मैं खुद ही देखने लगी, इतना अच्छा वीडियो था कि मैं सब कुछ हट गया और उनको देख उस वीडियो को देखने लग गई, सब लोग उसी वीडियो को देखने लग गए। यहाँ पे ये लोग डांस कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा डांस कर रहे हैं। अब दूल्हा दुल्हन की एंट्री फाइनली कंप्लीट होने वाली है, वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना। और ये देखो इनकी एंट्री इतनी अच्छी लग रही है ना, बहुत अच्छी लग रही है, और इनका जो ड्रेस कोड ड्रेस भी है बहुत सुंदर लग रही है, इनका लहंगा बहुत अच्छा लग रहा है, और जो दूल्हे राजा है उनकी शेरवानी भी अच्छी लग रही है, दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छे क्यूट कपल लग रहे हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, मैं बार बार बोल रही हूँ, तब तक के लिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ, बाय बाय।